त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण में आने वाले विभिन्न पंचायतों में पंचायत से जुड़े विभिन्न पदों के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर तेजी से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगाबाद क्षेत्र अंतर्गत मानजोरी पंचायत से मुखिया पद की महिला प्रत्याशी धेना हेम्ब्रम उर्फ ज्योति ने अपने पंचायत में सड़क, पानी व अन्य विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने के वादे के साथ अपने पंचायत वासियों से संपर्क साध रही हैं। वहीं पंचायत वासियों का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जीतेगा, जीतेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम संख्या 4 छमवार लगाकर भारी मतों से विजय बनावे बनावे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानजोरी का पंचायत, मानजोरी का मुखिया कैसे हो? जिंदाबाद। क्रम संख्या 4 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावे, विजय बनावे, विजय बनावे, विजय बनावे। देना हेमराम जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानजोरी पंचायत का मुखिया कैसा हो? देना हेमराम जैसे हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौके पर मुखिया उम्मीदवार ज्योति ने बताया कि उनके क्षेत्र में किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कहा कि उनके क्षेत्र में आने जाने के लिए सड़क तक का निर्माण भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पंचायत के लोग आज भी पुराने जमाने की तरह जीवन व्यापन कर रहे हैं। कहा कि इस पंचायत में शिक्षा का भी काफी अभाव है। उन्होंने बताया कि इन तमाम समस्याओं को देखते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया है कि जब तक वे अपने क्षेत्र अथवा अपने पंचायत को एक मॉडल रूप ना दे दें, तब तक वे लगातार प्रयास करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि बचपन से ही वे अपने पंचायत को अलग ढांचे में ढालना चाहती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में काफी त्याग किया है। यहां तक कि उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की है। उनका कहना है कि वे किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती, ताकि वे बिना किसी दबाव के आजादी से अपने पंचायत का विकास कर पाए। मेरा नाम ज्योति ढेना हेम्ब्रम है और मानजोरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। और मेरा क्वालिफिकेशन ऐसे पूछिएगा तो मेरा एमए के हैं सोशियोलॉजी से, है ना। और ये समाज सेविका के रूप में उभर करके आए हैं कि हम जनता का सेवा करें, समाज का सेवा करें, इसके लिए ये यही मेरा परिचय है। जी ज्योति जी, हमें यह बताएं कि आप मुखिया पद उम्मीदवार खड़े हुए हैं जी, आपको अपनी पंचायत में क्या समस्याएं दिखी कि जिसे आप दूर करने के लिए ये कदम उठाए? देखिए, हम पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। हमारे समाज में लोग हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है ना। और यहाँ का जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे देख रहे हैं कि हमारे आने जाने के लिए किधर से भी रोड रास्ता नहीं है। यहाँ कोई भी बार बीमारी होता है तो हम लोग नदी के उस पार टांग करके इन लोग को ले जाते हैं, तब उधर से ऑटो आती है, तब हम लोग उसको गाड़ी में हम लोग बैठाते हैं, है ना। और यहाँ से जो भी हमारे समाज में बहुत सारे काम है जो अधूरा पड़े हुए हैं, जैसे कि लोगों को इंदिरा आवास या विकास, जैसे कि सिंचाई वगैरह, बहुत सारे रोड रास्ता सिंचाई की बहुत सारी असुविधाएँ हैं भैया। हमारे यहाँ बहुत सारे दिक्कतें हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जिसको हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें और समाज को एक जो विकसित समाज, एक मॉडल पंचायत हम बना सकें, इसके लिए हम उभर करके सामने आए हैं मुख्य प्रत्याशी के रूप में। मतलब आपके हिसाब से ये लगता है कि जितने भी पंचायत चुनाव में लोग खड़े होते हैं पदों पे जी, ढेर सारे वादे करते हैं, लेकिन आपके जीत हासिल करने के बाद आपके पंचायत में सब भूल जाते हैं कि भाई यहाँ भी समस्याएं हैं जी। वो अपना वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद पूछने तक नहीं आते हैं आप लोगों से, कोई मतलब सुख सुविधा नहीं मिलती है आप लोगों को। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने ये कदम उठाया है कि नहीं, आप मुखिया पद के उम्मीदवार खड़े होंगे और मुखिया पद का पद हासिल करेंगे, है ना जी। जानकारी ये मिली थी कि आपने शादी नहीं की है, हाँ। ये क्या वजह है कि आपने शादी नहीं की? देखिए, जीवन में हम लोग को तीन चीज़ याद आता है। एक हम लोग
एक ही याद आता है, वो हमारी है शादी। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमको याद नहीं रहता है, अब जब हमारा मृत्यु होता है वो भी हमको याद नहीं रहता है। एक शादी ही याद रहता है कि जब हमारा शादी कैसे हुई थी। लेकिन हमारे जीवन में जब हम समाज के लिए उतरे, हम तीनों चीज को, दो चीज तो हमको हासिल हुआ, हम जन्म लिए और हम मरेंगे। लेकिन हम जो एक चीज है जो सबको पाना चाहिए, वही चीज हम त्याग दिए कि हम समाज में ये हमको नहीं चाहिए, अपना सादगी जीवन जीना चाहते हैं, फ्रीडम जीना चाहते हैं, ताकि आजादी से आप इस पंचायत का, हाँ आजादी से हमारे, हम एकदम सक्षम होकर के, हम एक कर्मठ होकर के हम समाज के सामने आए और समाज के लोगों को ये चीज दिखाएं कि एक महिला होकर के इस तरह से अपना कदम उठा रही है कि नहीं, हम समाज को दिखाएं और हमारे पंचायत को दिखाएं। एक शादी होकर के इनके जीवन में हमको कोई रोक नहीं होना चाहिए, ना हम रोक, हम क्या बोलेंगे, रोक अपने आप को उतना उत्साहित है कि हम समाज का विकसित करने के लिए। जैसे कि विभिन्न पदों के लिए मुखिया प्रत्याशी के रूप में खास करके महिलाएं खड़ी हुई है, जी जी, और निवेदक के रूप में उनके पति निवेदक के रूप में खड़े रहते हैं पुरुष में, जी जी, होता क्या है कि जो पुरुष होते हैं उनके पति होते हैं वो जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, महिलाएं नहीं जा पाती है, ठीक है ना, लोग नहीं जान पाते हैं कौन सी महिला खड़ी है, क्या पद है उनका, कुछ भी नहीं जान पाती है। तो क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके निवेदक ही आना जाना कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं? नहीं, हम तो डोर टू डोर, और हमारा निवेदक जो है कि मंजोरी पंचायत के समस्त लोग हैं, एक नहीं कि नहीं हम अपना परिवार को रखे, नहीं, आप देख भी सकते हैं निवेदक में, आप कहीं लिखा हुआ होगा कि निवेदक में समस्त जनता है हमारे साथ, जो भी हमारा मंजोरी पंचायत के मतदातागण ही हमारा निवेदक है। और विशेषकर हम डोर टू डोर सभी के गए कि जो बहुत सारे मुखिया के पति गए हैं, महिला घर पे हैं लेकिन महिला ही जनसंपर्क बना रहे हैं, महिला पुरुष ही डोर टू डोर जा कर के उनसे दीदी भैया बोल करके हमको एक बार जिताइए, लेकिन महिला घर पे पर्दे के अंदर है ना। लेकिन हम तो सभी जगह, हर हमारे जितनी भी मंजोरी पंचायत में हमारा 15 वार्ड है, हम सभी के यहाँ गए हैं, सबके डोर टू डोर जनसंपर्क बनाए हैं। मतलब एक महिला होकर के भी आप सभी से कंधे से कंधा मिला करके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? जी जी, असल में आपका उद्देश्य ये है कि आपके पंचायत का विकास हो। देखिए, हमारे पीछे कोई आगे पीछे नहीं है कि हमको कोई दबाव देने वाला है, कोई हमको रोकने वाला है, है ना। हम पहले बता दिए कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लोगों के लिए ही काम करेंगे। वहीं पंचायत वासियों को भी ज्योति से काफी उम्मीदें हैं, पंचायत वासियों का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जीतेगा जीतेगा हेमरम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रहना हेमरम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमें ये बताइए कि ज्योति जी मुखिया पद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये इनको आप वोट क्यों देंगे? इनको वोट देंगे, ये पंचायत को चलाने के लायक आदमी है, इस कारण से हम लोग इसी को वोट देंगे। तो हम लोग को आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं कि आपको लगता है कि नहीं? यही है कि दूसरा कोई जीतता है तो वो कोई काम नहीं करता है, को पूछने तक नहीं आता है, आप लोगों को पूछने की घर नहीं आता है। चलिए, कि क्या देंगे नहीं देंगे सो कोई मतलब नहीं है। जो कॉलोनी फलोनी आता है तो कहता है पैसा दो तो हम लोग काम करेंगे, और पैसा नहीं है तो काम आपको नहीं मिलेगा, ना घर मिलेगा ना कॉलोनी मिलेगा। एक कॉलोनी पर 15,000 दो, 20,000 दो, तबको कॉलोनी मिलेगा, और इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो कॉलोनी को पैसा लेगा ना कुछ ही करेगा कोई सचिव। ये सब दबाव करके हम लोग कोई फेवर में निकल गया है। आम ची लगी दीदी अबोबोन तेंगो कदिया, क्या पूछे आप उनसे? एक सेकंड कट जाएगा, वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कट जाएगा। मम्मी अमा नितुम मौली देवी, अब नियाड़ी पंचायत को अबोन तेंगो कदिया, चिका लगी बोन तेंगो कदिया, अब आतो रे विकास लगी से आर जहाँ लगी सनामा विकास लगी गेंते बोले तो विकास ही अब रास्ता बन तबुना नवा को जुग लगी उड़ा बन तबुना दा इंडिया व्यवस्था बन तबुना ना करना बोले सनाम होड़ को हजुक ना नवाले एमापिया हनाले एमापिया लेकिन को हजुक ना को वोट भोर गे लेकिन हे कते दो चुनो भोर को हजुक ना उसके बाद दो हजुक ना पकड़ बाको कमी दो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजकुमार साहब जी। राजकुमार जी, बताएं कि आपके पंचायत से ज्योति जी खड़ी हुई हैं मुखिया पद उम्मीदवार,
क्या लगता है कि ये जीत हासिल कर लेंगी तो पंचायत का विकास करेंगी या फिर ऐसे ही ये भी बोल के निकल जाएंगी? नहीं नहीं करेगी, पंचायत का विकास जरूर करेंगे और पूरा हौसला के साथ भी करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम मिस्टर अशोक हेमराम जी। अशोक जी बताएं कि आपने क्या उम्मीदें लेकर के ज्योति हेमराम जी को के ऊपर विश्वास जताया है कि नहीं भाई अगर मुखिया पद उम्मीदवार खड़ी होती है और जीत हासिल करती हैं तो इस पंचायत का विकास हो, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरे को ज्योति से बहुत उम्मीद है। जैसे हम लोग का पंचायत में मंजूरी पंचायत टोला निहाड़ी हुआ जी, इस मंजूरी से आने के लिए हम लोग रास्ता खराब है, प्लस पीने के लिए पानी का बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे हम लोग का कॉलोनी जो आता है उसमें से जो मुखिया है पहले का मुखिया उसमें से हम लोग को 15,000 से 20,000 का डिमांड करता है, तो वो नहीं देते हैं तो उसमें से कॉलोनी हम लोग को मिलता नहीं है। अभी तक मंजूरी पंचायत में टोला न्याडी बहुत लोगों का कॉलोनी किसी का भी बहुत आदमी का नहीं हुआ है, उसमें से 15,000 लेके तभी कॉलोनी मिलता है। हम लोग इतना ही चाहते हैं, जो अभी ज्योति मैडम मुखिया में जो खड़ी हुई है, हम लोग इतना ही चाहते हैं कि विकास अभी तक जो हुई है ना, मतलब पहले नहीं हुई है उससे ज़्यादा हम लोग को विकास होना चाहिए। मेरा नाम मानवेल हरदा न्याडी से है। आपके पंचायत से ज्योति जी मुखिया पद उम्मीदवार खड़ी हुई हैं जी सर, तो क्या लगता है क्या उम्मीदें आपको हैं कि अगर ये जीत हासिल करती हैं तो पंचायत का विकास होगा? जी सर, ये हम लोग तो सोचे हैं कि विकास होगा। आज तक हम लोग 10 साल 12 साल हम लोग देख चुके हैं कि पंचायत में वोट लेने के लिए बहुत बार पैसा खर्चा करता है, यहाँ देते हैं 5 लाख, यहाँ देते हैं 2 लाख, हर गाँव में पैसा बांटता है, जीतने के बाद वो रास्ता ही भुला जाता है। कहने का मतलब आपका है कि चुनाव से पहले ढेर सारे प्रत्याशी आपके घर घर आते हैं, घर घर आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं, रास्ते ही भुला जाते हैं। मतलब इस समस्याओं का अंबार लगा हुआ है आपके क्षेत्र में लेकिन कोई पूछने तक नहीं आता है, पूछने तक और समस्याओं को जूझने के लिए आप लोगों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है।